नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। करीना ने दिया हिंदू धर्म को धोखा, विश्व हिंदू परिषद ने कहा। विश्व हिंदू परिषद की युवा महिलाओं की शाखा दुर्गा वाहिनी ने हिमालय ध्वनि नामक पत्रिका के कवर पर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर की एक विवादित तस्वीर छापी है, जिसमें वे आधी हिंदू और आधी मुस्लिम नजर आ रही हैं। करीना पर धर्म को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। पत्रिका की संपादक रजनी ठकुराल का कहना है, चूंकि करीना सेलिब्रिटी हैं और युवाओं में लोकप्रिय हैं, इसलिए उनकी तस्वीर छापी गई है। करीना ने अपने नाम को बदलकर करीना कपूर खान कर लिया है और उनके बारे में कहा जाता है कि वे नमाज भी पढ़ती हैं। इस प्रकरण को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मत करिए एयरलाइंस के SMS पर भरोसा। यदि आप विमान यात्रा करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एयरलाइंस का एक SMS आपको मुश्किल में डाल सकता है। ऐसा ही एक वाकया बुधवार शाम दिल्ली में एयर इंडिया के यात्रियों के साथ पेश आया। जब वे हवाई अड्डे पहुंचे तो विमान उड़ान भर चुका था। दरअसल दिल्ली में इंदौर होकर मुंबई जाने वाले विमान के यात्रियों को SMS मिला था कि एयर इंडिया का विमान IC 636 अपने निर्धारित समय 6 बजे न उड़कर 6:45 बजे उड़ान भरेगा, मगर यात्रियों को छोड़कर विमान 6 बजे ही उड़ गया। मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मेरा बयान देश हित में है, भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा। हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यह बयान राष्ट्र हित में दिया है। अगर किसी को लगता है कि इस बयान के लिए उन्हें फांसी होनी चाहिए तो वे फांसी पर चढ़ने को भी तैयार हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे नाराज हैं और साक्षी महाराज की सफाई को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। रेंच पत्रिका के संपादक के हत्यारों को बसपा नेता देगा 51 करोड़। पेरिस में हुए हमले से जहां पूरी दुनिया स्तब्ध है, वहीं दूसरी ओर मायावती की पार्टी बसपा के नेता और पूर्व विधायक हाजी याकूब ने फ्रेंच पत्रिका के संपादक के हत्यारों को 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। याकूब ने कहा है कि पैगंबर का अपमान करने वालों के कातिल अगर मांगने आए तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। आपको याद दिला दें कि याकूब वही शख्स है जिसने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था, उन्हें जालिम और जल्लाद कहा था। अब अभिनय भी करेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर एक फिल्म बनने जा रही है। खास बात यह है कि इस फिल्म में सचिन खुद अपना रोल निभाएंगे। मुंबई की एक कंपनी सचिन के जीवन पर फीचर फिल्म बनाएगी, जिसे 2000 थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इस फिल्म में सचिन का बचपन, जवानी, क्रिकेट, शादी और उन तमाम बातों का समावेश किया जाएगा जिनका सचिन की जिंदगी में अहम रोल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।